हेलो फ्रेंड्स, रेपेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये देखिए इस तरह का रबर बैंड यानी कि स्क्रंची भी बोल सकते हो इसको, इस तरह के मैं सिंगल लेयर और डबल लेयर दोनों में बनाना बताऊंगी। ये देखिए इस तरह का, ये सिंगल लेयर है और ये डबल लेयर है, तो मैं आपको दोनों कैसे बनाते हैं वो बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए देखिए, आप अगर आपके पास अपनी ड्रेस का मैचिंग का कपड़ा बचा हुआ है तो उससे भी आप अपनी ड्रेस के मैचिंग के अनुसार बना सकते हो। और ये देखिए साटन का कपड़ा है और इसकी विड्थ 4 इंच है। ये देखिए, आप कम ज्यादा रख सकते हो जैसा आपको पसंद हो। आप इसे 3 इंच की विड्थ में भी बना सकते हो, 4 इंच में भी बना सकते हो, जैसा आपको पसंद हो वैसा बना सकते हो। और इसकी लंबाई मैं बता देती हूँ आपको, ये देखिए ये डबल में 18 इंच है। पहले मैं आपको सिंगल लेयर का बनाना बताऊंगी। ये देखिए, इसके लिए मैंने ये इलास्टिक लिया है, इसकी लंबाई 8 इंच की है। और आप चाहे तो इस तरीके का ये गोल वाला भी ले सकते हो, मैं ये वाला लगाऊंगी इसमें। तो सबसे पहले आप क्या करें, देखिए यहाँ से ये स्टिच कर ले, यानी ये दोनों को ज्वाइंट कर लीजिए। सीधा आप अंदर की तरफ रख दीजिए ऐसे। ये किनारी है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कट कर देती हूँ। अब हमें क्या करना है, देखिए इसको आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए एक तरफ ऐसे, और अब इसको आप सिलते हुए जाएं, ये जॉइंट को मिला लीजिए। थोड़ा सा आप यहाँ गैप छोड़ दीजिए क्योंकि हम इसको सीधा करेंगे इसके लिए। अब ये देखिए ये उल्टा ही है और इसमें उल्टे में इलास्टिक डाल देना है। आप यहाँ पे एक गटान लगा दीजिए टाइटली, और जहां पे हमने ये गैप छोड़ा है अब यहां से हम इसको सीधा करेंगे। ये देखिए,
ये देखिए जहाँ से हमने इसको निकाला वहाँ से आप चाहे तो मशीन से एक यहाँ पे सिलाई लगा दीजिए या फिर सुई और धागे की मदद से ऐसे हाथ से भी लगा सकते हो। ये देखिए बहुत ही सुंदर रबड़ बनके तैयार हो गया। इस तरीके से आप भी अपनी ड्रेस का मैचिंग का इसे घर पे भी बहुत ही आसानी से बना सकते हो। अब मैं आपको डबल लेयर में रबड़ बैंड बनाना बताऊंगी। उसके लिए देखिए ये दो फैब्रिक लिए मैंने, ये साटन का है और ये ऑर्गेंजा फैब्रिक है। इसकी विड्थ 3.5 इंच है, लंबाई इसकी 34 इंच है। लंबाई दोनों की बराबर है और चौड़ाई अलग है, ये 3.5 इंच चौड़ा और ये 5.5 इंच चौड़ा। अब हमें क्या करना, दोनों को पहले आपको ऐसे स्टिच कर लेना है, यहाँ से सीधा आपको अंदर की तरफ रखना है और ये उल्टी तरफ से स्टिच करेंगे। अब हम इसको ऐसे सीधा करेंगे और एक स्टिच हम इधर सीधे की तरफ लगा देंगे ये जॉइंट के यहीं से। और इसको हम सीधा कर लेंगे। इस जॉइंट से आप इस जॉइंट को मिला लीजिए और ऐसे पूरे में ऐसे स्टिच कर लेना। आप चाहे तो यहाँ ऐसे पिन लगा दीजिए, पिन से इसको होल्ड कर दीजिए। और यहाँ पे आप इसे क्लिप से ऐसे होल्ड कर दीजिए ऐसे, और दोनों इधर भी बराबर बराबर करके, ताकि जब हम स्टिच करेंगे तब दिक्कत नहीं होगी आपको। इस तरह से हम यहाँ पे भी इस क्लिप से होल्ड कर लेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे भी आप क्लिप लगा दीजिए ऐसे। अब हम स्टिच करते जाएंगे ऐसे, दोनों तरफ हम स्टिच करेंगे, इधर भी और इसको बीच में रख के इधर भी, इधर दोनों किनारों किनारों पे। ऐसे ही अब आपको इस किनार को सिलना है। ये देखिए दोनों किनारे हमने स्टिच कर दिए। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे ऐसे, इसे हम अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर लेंगे ऊपर वाली पट्टी को, और जो नीचे जो ये कपड़ा है देखिए, ये जॉइंट है जिसको ऐसे स्टिच करना। लेकिन स्टिच करते समय ध्यान रखें कि ये कपड़ा भी नहीं आना चाहिए और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यानी कि ये जो कपड़ा बड़ा है वो भी नहीं आना चाहिए। बहुत ही सावधानी से आपको इसको स्टिच करना है। ऐसे आपको स्टिच करना है, देखिए इस कपड़े को ऐसे अंदर करते हुए। और इसे निकालते जाना और स्टिच करते जाना ऐसे ही।
थोड़ा सा आप यहाँ पे गैप रख दीजिए क्योंकि हम इसको सीधा करेंगे उसके लिए। अब हम इसमें इलास्टिक डाल देते हैं। इलास्टिक की लंबाई हमने 8 इंच ली है। अब हम यहाँ पे एक खटान लगा देते हैं। और जहां पे अब हमने ये गैप छोड़ा है उस गैप से हम इसको बाहर निकालेंगे यानी सीधा करेंगे। ये देखिए यहां से हम इसको सीधा कर देंगे। ये देखिए बड़ा ही सुंदर हमारा स्क्रंची बनकर तैयार हो गया है। देखिए ये डबल लेयर में है। ये देखिए एक लेयर तो यहीं तक रहेगी और दूसरी लेयर यहाँ तक। ये देखिए जो हमने बड़ी लेयर रखी वो ऐसे आ गई है। देखिए और ये देखिए यहाँ पे जो हमने थोड़ा सा ओपन रखा है उसको हम या तो सुई और धागे की मदद से हाथ से भी बंद कर सकते हैं और चाहे तो आप मशीन से भी बंद कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये डबल लेयर में बनाना बताया और ये सिंगल लेयर में। जो भी आपको पसंद हो आप ऐसा बना सकते हो बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।